मैं सलीम खाजी मौलाना आज़ाद विचार मंच का शहर अध्यक्ष हूँ। मैंने परोड़ा अधिकारी को ये निवेदन दिया हूँ कि राशन दुकान वाले जो फ्री राशन देना जो बंद कर दिए हैं, और जिसको 35 किलो गेहूँ मिलना चाहिए यानी चावल और गेहूँ मिला के, उनको 20 और 25 किलो ही देते हैं। किसी को 25 किलो आना है तो उसको 10-15 किलो ही दे देते हैं। तो ये काले बाजारी रोकने के लिए मैंने ये निवेदन दिया हूँ। सर, इसमें पौती तो मिलती नहीं जो धारक लेता है राशन, तो वही तो हम चाह रहे कि भाई धारक को पौती मिलना चाहिए, उसको प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने उसने ये फला फला राशन की दुकान से इतना लिया हूँ, महीने में इतना मुझे आया है और इतना नहीं आया है, वो होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। सिर्फ राशन की दुकान वाले के पास ही रिकॉर्ड रहता है, कभी वो बोलता है कि मेरा मशीन ख़राब है, कभी बोलता है आपका आया ही नहीं। अब किसी को मालूम करना है कि उसके राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है उसके शासन की तरफ से, मगर वो मालूम होता नहीं है, गरीब परेशान हो जाते हैं और गरीबों को सताया जाता है, उस बारे में? उसी के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक है ना कार्ड है ना, जैसा मशीन इनके पास है तो एक कार्ड इनका है, जैसा एटीएम कार्ड जैसा यूज़ होता है कि आपने कितना खर्च किया उसको आपको मैसेज भी आता है और आपका बैलेंस भी बताता है, तो वैसे ही रहना चाहिए हर किसी के पास कुछ कार्ड, या कुछ तो भी ऐसा डायरी या कुछ तो भी ऐसा कलेक्टर ऑफिस से जिलाधिकारी का साहब से के पास से कि भाई ये फला को इतना राशन महीने में देना चाहिए। आपके साथ पे खुद हुआ या आपके पास किसी ने कंप्लेंट? नहीं, मेरे सब कंप्लेंट नहीं है मेरे पास। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सलीम खाजी, मौलाना आज़ाद विचार मंच का शहर अध्यक्ष हूँ।